एलिमेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग्स, अभी क्या क्या चीज़ें हैं जो प्लानिंग के अंदर मींस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्लानिंग का जैसे हम लोगों ने समझा वो दिमाग का काम है, उसके अलावा उसके अंदर हम लोगों को दूसरे प्लान्स और प्रोग्राम्स को भी ध्यान में रख के चलना पड़ता है। और एलिमेंट्स जो होते हैं उसी के ऊपर, यानी कि जो सारे टॉपिक्स होते हैं प्लानिंग के, वो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसी भी प्लान के लिए हमें पहले तो बिजनेस के लिए बजट बनाना पड़ता है कि हमारे पास पैसा कितना है, लागत कितनी लगेगी। उसके बाद हमें उसके सेक्शन बनाने पड़ते हैं, यानी कि किस हिस्से में हमें कितना खर्च लाना है। उसके बाद डिस्कशन की जाती है उसके बारे में, और मास्टर बजट बनाया जाता है जिसकी मदद से पूरा बिज़नेस शुरू किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, बिज़नेस का सबसे पहला काम क्या है कि ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, और आपका बिज़नेस जो होता है उसी के ऊपर आधारित होता है। इसी की वजह से आप पहले अपना प्रोग्राम सेट करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं ताकि आपका जो सपना है वो आप पूरा कर सकें। फिर स्ट्रेटजी बनती है कि आपको किस चीज़ से किस जगह पर काम करना है, उसके लिए प्लान करना पड़ता है। और फिर आपको लोगों के बारे में सोचना पड़ता है कि आप किस तरह के लोगों को साथ जुड़ना चाहेंगे ताकि आप एक छोटी सी फील्ड में अपना सपोर्ट बना सकें और अपना काम चालू रख सकें। चाहे कोई भी आर्मी हो या स्पोर्ट्स, कोई भी फील्ड हो, उसमें स्ट्रेटजी की ज़रूरत बहुत होती है। स्ट्रेटजी हमेशा आपकी जो होती है, यानी आपका आइडिया, वो आपको गारंटी देता है कि आपका बिज़नेस सक्सेस करेगा या नहीं। पॉलिसी के बारे में बात करें तो कोई भी डिसीजन जो होता है स्ट्रेटजी के लिए, वो डिसीजन आपका कब पूरा होता है, जब आप आपके सभी आइडियाज़ और सभी सामान और लोगों के ऊपर सही पॉलिसीज़ बना कर रखें। पॉलिसीज़ जो होती हैं वो एक तरह से बिज़नेस के बारे में आपके बताती हैं कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, वो आपको आइडिया देती हैं कि आपका बिज़नेस किस तरह से काम करना चाहिए। जैसे कि हर एक ऑब्जेक्टिव जो है उसका एक आपके पास ग्राफ होना चाहिए कि वो काम कैसे होगा। पॉलिसी जैसे कि सेल के लिए, आपको अगर आपका नुकसान आ रहा है या आपको लग रहा है प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बिक रहा, तो आपको सही टाइम पर सही ऑफर्स लानी पड़ेंगी, सही आइडियाज़ लाने पड़ेंगे ताकि आप लोग का बिज़नेस चल सके। और जितना हो सके आपका क्रेडिट बेसिस पर काम, मतलब फॉर एग्जांपल आपका कैश जो हो वो आपको यूज़फुली काम आ सके, आपका क्रेडिट रिकॉर्ड बढ़े घटे नहीं। मेथड और प्रोसीजर के बारे में बात करें, कोई भी काम जो होता है उसे शुरू करने के लिए, बिज़नेस के लिए, आपको हर चीज़ के प्रोग्राम का आइडिया रख कर चलना पड़ता है, जिसके अंदर आपको अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं, यानी हर चीज़ों को, कंपटीशन को, हर चीज़ को फेस करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में सेम काम कई लोग करते हैं। और उस सब के बावजूद आपको ये अश्योरिटी रखनी पड़ती है कि आप जो काम करो वो सबसे अलग हो और उसमें आपका फ़ायदा हो। एक बिज़नेस यूनिट अगर ट्राई करे कोई भी काम का, पूरे सालाना खर्च का देखे कि उसके अंदर उसने कितना पैसा कमाया और उसमें उसने कितनी सेल की, अगर मान लो वो एक चौथाई सेल करता है तो उसके मतलब है कि उसके चांसेस हैं सक्सेस के ज़्यादा, यानी कि उसने क्या किया है, क्वार्टर यानी पौना हिस्सा अपना, मींस 3/4 पार्ट उसने अपना सेल आउट कर लिया है एंड 1/4 पार्ट उसका सेल रह गया, यानी कि उसने अपना टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट पूरा किया। रूल्स ज़रूरी हैं, अगर रूल्स नहीं होंगे तो आप कभी भी अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। उसे समझने के लिए, लोगों को समझाने के लिए डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन से अगर आप काम करेंगे तो ही आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। यूज़ ऑफ मोबाइल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, वो हमेशा बंद रखिए। नो स्मोकिंग एट वर्क प्लेस, कभी भी काम के वक्त बातचीत नहीं, फालतू की कोई स्मोकिंग वगैरह जैसी बुरी आदत नहीं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इन सभी पे आपको रोक लगानी चाहिए। बजट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको हमेशा अंडर बजट काम करना चाहिए जिससे आपका नुकसान कम हो। हमेशा उतनी ही चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करिए जितना आप खर्च कर सकें, एक्स्ट्रा खर्च जो होता है वो हमेशा आपको नुकसान लाकर देता है। प्रोग्राम जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसके अंदर आपके प्रोग्राम इस तरह काम करना चाहिए कि आपके बिज़नेस का हर सेक्शन उसके अंदर यूज़फुल हो सके, और हमेशा प्रॉब्लम्स जो हों वो कम हो, बढ़े नहीं। और आप अगर सही फंक्शंस को सही टाइम पर मैनेज कर लेंगे तो आपके आने वाले नुकसान से आप अपने बिज़नेस को बचा पाएंगे और अपने अच्छे स्टैंडर्ड्स को आप बढ़ा पाएंगे। इस तरह से हमें सही टाइम पर सही स्टेप्स लेने चाहिए।